यार याद करो वो दिन जब हम लोग टीवी के सामने बैठकर बेबलेट देखते थे। यार वो दिन कितने ज्यादा औसम थे आप सबको पता है अगर आप लोगों ने बेबलेट को टीवी पर देखा है। एंड अगर मैं बात करूँ बेबलेट जी रेवोल्यूशन तो ये सीजन बहुत ही ज्यादा औसम था, ये चीज आप लोग को पता ही होगा। वेल देखो यार बेबलेट जी रेवोल्यूशन अब तो हम लोग टीवी पर देख नहीं सकते एंड वो टाइम अगर हम लोग पैसा भी देंगे तब भी वापस नहीं आ सकता। इसलिए यार ये वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाया हूँ एक याद के लिए, यानी कि बेबलेट जी रेवोल्यूशन की पूरी स्टोरी आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगी। वेल देखो इसका पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 30 तक की स्टोरी बताई है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वो वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 30 एपिसोड से लेकर 51 एपिसोड तक की पूरी स्टोरी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए कह सकते हो कि यार वो पुराने दिनों को वापस लाने में मदद करेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, मेरे साथ एंजॉय करो बेबलेट जी रेवोल्यूशन को वापस से एंड मैं अपना फुल ट्राई करूंगा कि यार मैं आप लोगों को एंटरटेन कर सकूं। एंड ऑल्सो इस वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी है कि रे के पेरेंट्स कौन है, यानी कि उसके मॉम एंड डैड, बिकॉज हम लोग को बेबलेट की सीरीज में तो दिखाया नहीं गया उसके पेरेंट्स को। तो अगर आपको जानना है रे के पेरेंट्स कौन है तो इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी, उसको जाकर भी आप देख सकते हो, चैनल पर ही अवेलेबल है। तो चले यार फाइनली अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बेबलेट जी रेवोल्यूशन के 30 एपिसोड में जो टायसन रहता है वो काय को हराकर बन जाता है थर्ड टाइम वर्ल्ड चैंपियन एंड उसके साथ डाइची भी बनता है वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन उसके बाद कौन सोचा था कि यार एक और मुसीबत ब्लेड ब्रेकर्स के लिए आने वाली है। 31st एपिसोड या फिर कह सकते हो जी रेवोल्यूशन के 30 एपिसोड के बाद हम लोग को दिखाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम रहता है बेगा। बेगा की बात करूँ तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा बेकार थी एंड इसके लीडर की बात करूँ तो वो था बोरिस। बोरिस की बात करूँ तो आप सबको पता है हम लोग को बोरिस को दिखाया गया था सीजन 1 में एंड इसके गलत इरादों के साथ ये एक और बार हम लोग को दिखाया जाता है जी रेवोल्यूशन में। बोरिस अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करता है टायसन के सामने एंड जो उसकी टीम रहती है, लेकिन टायसन जानता था कि जो बोरिस वो बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान है और वह कुछ ना कुछ ज़रूर गलत इरादों के साथ वापस लौटा है। धीरे धीरे कर जो बेगा रहती है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है। देन उसके बाद जो टायसन और उसकी टीम रहती है वो अभी भी जानते थे कि जो बोरिस है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान है। देन उसके बाद फाइनली हम लोग को दिखाई जाती है एक मैच जो कि थी गारलैंड वर्सेस टाला एंड ये मैच बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। लेकिन जो टाला रहता है इस मैच में गारलैंड को समझाने की कोशिश करता है कि जो बोरिस वो बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान है, इसके साथ तुम काम मत करो, मैं इसके साथ रह चुका हूँ एंड बोरिस वही तुम्हारे साथ भी करेगा जो इसने मेरे साथ करा, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है अपने प्लान्स के लिए। लेकिन जो गारलैंड रहता है टाला की बात नहीं मानता एंड यार उस मैच में टाला बहुत ही बुरी तरीके से हारता है। इवन मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार लगा था जब मैं टाला की ये मैच देखा था। लेकिन टाला अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो गारलैंड को हरा सके एंड ये तो हम सबको पता है कि टाला कितना ज्यादा ऑसम बेबलेडर है। बट उसके बाद जब गारलैंड जीत जाता है टाला को हराने के बाद, जो बोरिस रहता है एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर देता है। बोरिस टायसन के सामने कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि बेगा मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो क्यों ना हम लोग एक मैच रखते हैं एंड ये मैच एक टीम बैटल होने वाला है। अगर बोरिस की टीम जस्टिस 5 जीतती है तो बेगा हमेशा हमेशा के लिए इस्टेब्लिश हो जाएगी, लेकिन अगर टायसन जीतता है तो बेगा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी एंड मिस्टर डिकेंसन वापस आ जाएंगे एंड सारी चीज़ें पहले की तरह हो जाएगी। तो जो टायसन रहता है उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है एंड कुछ ही सेकंड बाद जो टायसन रहता है डायरेक्टली कह देता है कि हम लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग चीज़ होती है जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जो हीरो रहता है यानी कि टायसन का बड़ा भाई वो ज्वाइन कर लेता है बेगा को। टायसन पूरा ही शॉक हो जाता है कि यार उसने क्या देखा अपने आंखों के सामने, लेकिन ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी एंड बुरी चीज़ थी टायसन के लिए। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। जो टायसन है अपने बड़े भाई को कह सकते हो बोरिस के लिए काम करते हुए देख रहा था, उसको बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ बेकार लगी। एंड उसके कुछ दिनों बाद हम लोग को एक बैटल भी देखने को मिलती है टायसन वर्सेज रे की। ये बैटल इतनी ज़्यादा एपिक थी, ये कोई नॉर्मल टायसन वर्सेस रे की बैटल नहीं थी जो हम लोगों ने सीजन 1 में देखी थी। जो रे था अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकालता है टायसन पे, बिकॉज रे को मौका ही नहीं मिला था वर्ल्ड चैंपियनशिप में टायसन से लड़ने का। हम सबको पता है कि जो ब्लेड ब्रेकर्स थे वो टायसन को ही हराना चाहती थी, लेकिन जो काय था और जो मैक्स था उन दोनों को ही मौका मिला था टायसन से लड़ने का, लेकिन जो रे रहता है उसको मौका नहीं मिलता टायसन से लड़ने के लिए। एंड इस बैटल में रे पूरी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, लेकिन यार टायसन भी अपनी पूरी ताकत लगाता है। वेल देखो रिजल्ट्स की बात करूँ आपको पता ही होगा, बट फिर भी देखो यार ये बैटल मेरे को अच्छी लगी थी तो इसलिए मैंने इसको ऐड करा, बिकॉज ये बैटल को मैं भूल नहीं सकता कि यार जब वो सीन आता है जिसमें जो एक वाटरफॉल रहता है उसमें से टायसन निकलता है, यार क्या एपिक सीन था जब मैंने उसको देखा था। देन उसके बाद एक बैटल आती है जो कि थी काय वर्सेस ब्रुकलिन। मतलब ये बैटल मैं राउंड 1 की बात कर रहा हूँ, हम लोग को दिखाया गया था जो बोरिस रहता है वो भी इस बैटल को देखता है, लेकिन उस बैटल में जो काय रहता है वो हार जाता है ब्रुकलिन से। मैं राउंड 1 की बात कर रहा हूँ। एंड उस समय यार इस बैटल से पहले जो गारलैंड रहता है वो काय से बात करता है एंड गारलैंड जो रहता है वो काय से कहता है
कि ब्रुकलिन को कोई भी नहीं हरा सकता, मैं भी उसको नहीं हरा सकता। लेकिन जो कार रहता है वो गार्लैंड से कहता है कि वो ब्रुकलिन को हराएगा और वो इन सारी चीजों पे बिलीव नहीं करता कि एक टैलेंटेड बंदे को कोई हरा नहीं सकता। वेल, इन लोग की बैटल होती है, उसमें काय हार जरूर जाता है, लेकिन काय के दिमाग में ब्रुकलिन की कह सकते हो एक इमेज बन जाती है और वो चाहता था कि वो ब्रुकलिन को हराएगा अपने सेकंड बैटल में। वेल, ये सारी चीज़ें हो जाती है एंड कह सकते हो कि यार चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अब तो बेकार होने लगी थी। देन उसके बाद कह सकते हो रीयूनियन होता है पुराने बेब्लेडर्स का, यानी कि जितनी भी पुरानी टीम रहती है, वाइट टाइगर एक्स, पीपीबी, ऑल स्टार्स, सारी टीम आती है एंड हम लोग को दिखाया जाता है हार्ड मेटल सिस्टम। हार्ड मेटल सिस्टम की बात करूँ तो टायसन, जितनी भी सारी टीम रहती है, एक साथ आती है ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन हार्ड मेटल सिस्टम को टायसन और कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था बिकॉज उनके बेस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुके थे पहले के मुकाबले एंड ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी उन लोगों के लिए हैंडल करना। लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद ये लोग फाइनली कंट्रोल कर पाते हैं हार्ड मेटल सिस्टम को। सबसे पहले टायसन कंट्रोल करता है, बहुत ही ज़्यादा उन लोगों की पावर बढ़ जाती है एंड ये सारी चीज़ें हो रही थी। देन उसके बाद जो काय रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो डीमोटिवेटेड भी होता है, लेकिन वो फिर भी चाहता था कि वो ब्रुकलिन को हराए। पहले हम लोगों ने काय को देखा था कि वो हमेशा चाहता था कि वो टायसन को हराए, लेकिन इस बार उसके दिमाग में बस एक ही वर्ड था, वो था ब्रुकलिन का, कि उसको ब्रुकलिन को हराना है। देन उसके बाद एक बैटल होती है काय के रोमेरो के साथ एंड उस बैटल में जो रोमेरो रहता है वो भी हराने वाला रहता है। वेल, अगर आपको नहीं पता रोमेरो कौन है तो यार जो एफ डायनेस्टी टीम का एक जो कोई लीडर था वही रोमेरो है। उसमें जो रोमेरो रहता है काय से पूछता है कि तुम क्यों इतने गुस्से में हो, ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। तो जो काय रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि ब्रुकलिन, वो चाहता है कि वो ब्रुकलिन को हराए। उसके बाद जो रोमेरो रहता है वो कहता है कि ऐसे तुम कभी भी नहीं हरा सकते ब्रुकलिन को, चाहे तुम जितना भी कोशिश कर लो। लेकिन उसके बाद काय इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। देन उसके बाद जो रोमेरो की वो हाल करता है, अगर आप लोग यार वो बैटल को देखोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, अगर आपने देखा है तो आपको पता है कि रोमेरो को किस तरीके से वो हराता है। एंड फाइनली काय बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद एक ऐसा ब्लेडर बन चुका था जो कि ब्रुकलिन को हराने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो गया था। तो यार उसके बाद आता है एक बहुत ही ज़्यादा कह सकती कि यार ये सीन मेरा फेवरेट है, जिसमें यार जो टायसन रहता है और काय रहता है इन दोनों का रीयूनियन होता है एंड फाइनली इनकी टीम कंप्लीट होती है जिसका नाम था जी रेवोल्यूशन। काय वापस आता है ब्लेड ब्रेकर्स में एंड रियली यार ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा ऑसम था एंड मेरे को गूस बम्स आ गए थे, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा यार। एंड उसके बाद फाइनली हम लोग को देखने को मिलने वाला रहता है जस्टिस 5 वर्सेस जी रेवोल्यूशन की बैटल। पहली बैटल की बात करूँ जो हम लोगों को देखने को मिली थी वो थी डैची वर्सेस मिंग मिंग। ये बैटल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो थी, लेकिन यार इसमें जो हमारा डैची रहता है वो हार जाता है। डैची अपनी पूरी ताकत लगाता है बट स्टिल वो हार जाता है मिंग मिंग के सामने। देन उसके बाद सेकंड बैटल होती है रे वर्सेस क्रशर। यार ये बैटल इतनी ज्यादा एपिक थी, देखकर हम लोग टायसन काय का नाम जरूर लेते हैं बट इस बैटल को कौन भूल सकता है यार। रे ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, क्रशर ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई थी एंड अगर मैं बात करूँ क्रशर की तो आप सबको पता होगा उसकी एक बहन भी थी एंड उसके लिए वो बे बैटल कर रहा था। यार ये बे बैटल इतनी ज्यादा औसम थी जिसको मैं अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। बट बात करो रिजल्ट की तो इसमें क्रशर तो जीतता है, लेकिन यार रे भी जीत सकता था इस बैटल को बिकॉज जब आप इस बैटल को देखे होगे तो आप सबको पता है कि यार ये दोनों कितने ज़्यादा अपने लिमिट्स को सरपास करे थे उस बैटल में, बट फिर भी क्रशर जीता। तो यार ठीक है, बुरा लगता है रे के लिए बट देखा जाए ओवरऑल ये बैटल बहुत ही ज़्यादा एपिक थी। तो जो बेगा रहती है दो मैचेस जीत चुकी रहती है एंड जो जी रेवोल्यूशन रहती है यानी कि टायसन की टीम वो दो मैचेस लगातार हारती है। देन उसके बाद बैटल होती है मैक्स वर्सेस मिस्टल की। इस बैटल में बात करूँ जो मैक्स रहता है मिस्टल के साथ टाई कर लेता है, ये भी बैटल बहुत ही ज़्यादा ऑसम थी। देन इसके बाद आती है बैटल फाइनली जिसका हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, काय वर्सेस ब्रुकलिन। आप सबको पता है ये बैटल कितनी ज़्यादा एपिक थी एंड ब्रुकलिन की बात करूँ तो वो ट्रेनिंग नहीं करता था, लेकिन जब हीरो आया था तो हीरो ने ट्रेन करा था ब्रुकलिन को थोड़े टाइम के लिए। देन उसके बाद जब बैटल स्टार्ट होती है दोनों ही प्लेयर अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब काय ने एक तरीके से यार अपने लिमिट्स को तो सरपास करा ही था लेकिन ब्रुकलिन को समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। उसने किंग ऑफ डार्कनेस भी यूज़ करा, सारी ही चीज़ें उसने इस्तेमाल करी लेकिन फिर भी जो काय था उसने हरा दिया ब्रुकलिन को। ब्रुकलिन को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि यार उसके साथ हुआ क्या आखिर। लेकिन हार तो एक हार होती है, काय ने अपना बदला ले लिया था, लेकिन जब काय वापस जाता है तो उसका जो ड्रॉन्जर रहता है पूरे तरीके से टूट जाता है एंड जो टायसन रहता है वो कहता है कि वो हराएगा ज़रूर गारलैंड को एंड वो इस बैटल को जीतेगा काय के लिए। देन उसके बाद हम लोग को बैटल दिखाई जाती है टायसन वर्सेस गारलैंड की एंड इस बैटल में टायसन हरा देता है गारलैंड को। एंड यार इन सारी चीज़ों के साथ पूरी ही जितनी बैटल हुई थी सारे ही टाई हो चुके थे
देन उसके बाद एक और अनाउंसमेंट होती है कि एक फाइनल मैच होने वाला है एंड जो भी इस फाइनल मैच को जीतेगा वो जीत जाएगा इस टूर्नामेंट को, या फिर आप जो भी इसको बोल सकते हो। एंड लास्ट बैटल होती है टायसन वर्सेस ब्रुकलिन की। ये बैटल भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम थी। ब्रुकलिन ने क्या क्या इस्तेमाल नहीं करा ये मैच को जीतने के लिए, लेकिन टायसन ने ब्रुकलिन को डार्कनेस से बाहर निकाला और एक रियल वर्ल्ड में लेके आया जहां पर बेब्लेडिंग सारे ही लोग दिल से करते थे। एंड आप सबको पता है कि इस बैटल का रिजल्ट हम लोग को ऑफिशियली आज तक नहीं पता चला कि टायसन और ब्रुकलिन में कौन जीता, बट फिर भी लोग कहते हैं टायसन जीता, बिकॉज जो टायसन था उसने ब्रुकलिन को डार्कनेस से आज़ाद किया एंड उसको रियल वर्ल्ड में लाया। एंड उसके बाद से जो बेगा ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो पूरे तरीके से ही खत्म हो जाती है एंड अगेन बोरिस का सपना अधूरा रह जाता है। एंड इसी के साथ हमारी बेब्लेड जी रेवोल्यूशन की सीरीज खत्म हो जाती है। आई मीन यार वो क्या दिन थे यार। ये वीडियो बनाने में सीरियसली मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो यार अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, बिकॉज मैं बेब्लेड के रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते रहता हूँ। एंड यार मतलब वीडियो बंद करने का तो मन नहीं है यार, बट क्या कर सकते हैं, मेरे को आज भी याद आती है यार जी रेवोल्यूशन की, बट इतनी स्टोरी थी। तो हाँ यार कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में भी बता देना। एंड गाइस आल्सो एक चीज़ और, अगर आप लोग चाहते हो कि यार बेब्लेड वापस से आ जाए इंडिया में तो आप लोगों को क्या करना है, मैंने अपने ट्विटर हैंडल की लिंक दी है, वहाँ पर जाकर मेरे को आप फॉलो कर लो सबसे पहले तो। एंड उसके बाद हम लोग कल यानी कि मंडे को जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आज देख रहे हो तो ठीक है यार, अगर लेट देख रहे हो तो कोई बात नहीं, बट 7 सितंबर को हम लोग इंडिया वॉन्ट्स बेब्लेड ट्रेंड कराने वाले हैं और साथ साथ हैशटैग बेब्लेड कम्युनिटी ट्विटर पे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि यार इस बड़े कैंपेन में हम लोग सक्सेसफुल हों तो प्लीज़ यार हम लोग को सपोर्ट करो। आप लोग ट्विटर पे आओ, मेरे को फॉलो करो, मेरी टीम को फॉलो करो एंड यार सपोर्ट करो हम सभी लोगों को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।